हेलो गाइस, वेलकम टू एचटीएमएल ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम एचटीएमएल में लिस्ट बनाना सीखेंगे। लिस्ट के सभी टाइप्स को इस लेक्चर के इनसाइट हम अलग अलग एग्जांपल के बेसिस पे आपको समझाएंगे। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आप HTML के इनसाइट थ्री टाइप से लिस्ट बना सकते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड टाइप होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, एंड थर्ड टाइप होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना सीखेंगे। तो चलिए अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाकर देखते हैं। बहुत आसान है अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना। इसके लिए आपको यहाँ पर UL टैग यूज़ करना है। यहाँ पर जो आइटम्स होंगे उनको आप li टैग के इनसाइड लिखेंगे। मैं यहाँ पर कुछ फ्रूट्स के नेम ले लेता हूँ। सबसे पहले मैंने एप्पल लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर बनाना ले लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर ऑरेंज ले लेता हूँ। चलिए, यहाँ पर मेरा अनऑर्डर लिस्ट बन चुका है। इसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा इन आइटम्स का, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसका जो डिफ़ॉल्ट टाइप होगा अभी वो होगा डिस्क, यानी कि काले भरे हुए गोले। चलिए रन करके बताता हूँ आपको, और बेटर तरीके समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये फ्रूट्स के नेम आपको दिखाई दे रहे हैं, और इनके सामने काले भरे हुए गोले आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें डिस्क कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर टाइप चेंज करते हैं। यहाँ पर जो सेकंड टाइप होता है वो होता है सर्कल। चलिए सेव करते हैं और यहाँ पर रीलोड करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं। वापस आते हैं, टाइप चेंज करते हैं और यहाँ पर स्क्वायर करते हैं। सेव करते हैं, इसे रीलोड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पर हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाना सीख लिया। अब हम ऑर्डर लिस्ट बनाना सीखेंगे। ऑर्डर लिस्ट बनाना बहुत आसान है। यहाँ पर बस आपको जो UL टैग है उसकी जगह आपको OL टैग यूज़ करना है, इस तरीके से। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको न्यूमेरिक दिखाई देंगे, यानी कि नंबर्स दिखाई देंगे, आप डेसिमल भी कह सकते हैं इनको। रन करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीक्वेंस में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से इन्हें आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं कैपिटल ए लिखता हूँ, इससे अपर अल्फा में ये चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि ए बी सी इस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल ए करता हूँ तो यहाँ पर लोअर अल्फा में ये चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं कैपिटल आई करता हूँ तो रोमन में ये चेंज हो जाएंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल आई करता हूँ तो लोअर रोमन में चेंज हो जाएंगे, इस तरीके से। तो हमने ऑर्डर लिस्ट बनाना सीख लिया। अब इसमें सीक्वेंस में रहता है, अनऑर्डर लिस्ट में सीक्वेंस में नहीं रहता है जितने भी आइटम्स का लिस्ट आप बना रहे हैं वो। अब हम यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है वो बनाना सीखेंगे। उसमें जो भी आइटम्स आप लेते हैं उसमें टर्म्स और डिस्क्रिप्शन के पेयर में वो ऐड हो जाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर HTML, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन लिस्ट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ DL टैग यूज़ करूँगा। इसके बाद यहाँ पर मैं DT टैग यूज़ करूँगा टर्म्स बनाने के लिए, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा HTML
अब HTML क्या है उसका डिस्क्रिप्शन देना है, तो उसको हम DD टैग के इनसाइट लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। चलिए सेव करते हैं इसे और ब्राउज़र पे रीलोड करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये डेफिनेशन की तरह दिखाई दे रहा है, यानी कि डेफिनेशन टर्म्स की तरह दिखाई दे रहा है और ये डिस्क्रिप्शन इसका दिखाई दे रहा है। तो गाइस आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने HTML लिस्ट बनाना सीखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।